हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पुलिस भर्ती 2018 यानी पुलिस भर्ती 2018 के संबंध में एक जानकारी दूंगा। दोस्तों, यह भर्ती अब कितनी लेट होगी, कितना टाइम और लगेगा इस पेपर को लीक होने की वजह से। दोस्तों, मैं पेपर लीक नहीं बोलूँगा क्योंकि पेपर लीक नहीं हुआ है, ये तो जानबूझकर गड़बड़ी कराई गई है। वरना पेपर अब की बार शासन इतना टाइट रहा है कि पेपर बिल्कुल भी लीक नहीं हुआ है, लेकिन इन लोगों ने जानबूझकर ये गलती की थी। इनको पता था कि पेपर रद्द हो जाएगा, तो इन लोगों ने जानबूझकर ये गलती की थी दोस्तों, जिसके लिए उन्हें सजा भी मिल गई है। 7 को जेल की हवा खिलाने की तैयारी भी कर दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों, देख लीजिए कितना टाइम और लग सकता है। अब दोबारा से पेपर होगा आपका, तो पेपर मेरे हिसाब से दोस्तों आपका सितंबर लास्ट तक हो जाएगा, क्योंकि अभी अगस्त चल रहा है, तो सितंबर के लास्ट वीक तक आपका जो पेपर है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। और TCS जो है संस्था, वो इस पेपर की तैयारी में लग गई है दोस्तों। तो दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में कितना टाइम और लगेगा, मेरे हिसाब से तो कुछ ज़्यादा लगना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से 2 महीने और लेट होगी भर्ती प्रक्रिया। तो 2 महीने के लिए बोला जा रहा है, 2 महीने और लेट होगी भर्ती प्रक्रिया। हो सकता है क्योंकि अब की बार जो कार्य है वो थोड़ा तेज है पिछली बार की भर्ती प्रक्रियाओं के मुकाबले दोस्तों। दोस्तों, इसमें कुल 22.67 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और लगभग 18 लाख ने पेपर दिया था दोस्तों। और अब जो दोबारा से परीक्षा में बैठने वाले हैं, 10 से 12 लाख अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा में बैठेंगे दोस्तों। और दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताए देता हूं कि ये जो पेपर आएगा उसमें दोस्तों आपको किसी को भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका पहले पेपर हो चुका है, कभी अब की बार वो कोर्ट चले जाएँ, तो दोस्तों किसी को कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका जो पेपर होगा अब सेकंड शिफ्ट वालों का, इसमें दोस्तों अगर पेपर हल्का आएगा इनका, तो दोस्तों आपके नंबर इनके पेपर के हिसाब से बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगा। नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपको कतई भी नुकसान नहीं होगा, कोर्ट जाने की आपको कतई भी ज़रूरत नहीं है। मैं किसी से ये नहीं बोलूँगा दोस्तों कि आप कोर्ट जाओ, कोर्ट को ही मत जाओ दोस्तों। तो कोर्ट जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन से सारे के सारे अभ्यर्थी, अगर किसी इनका पेपर थोड़ा टाइट आता है, अगर इन दोनों शिफ्टों का पेपर टाइट आएगा यानी कड़ा आएगा, तो दोस्तों उसी हिसाब को देखते हुए आपके नंबर कम भी हो सकते हैं। अगर इनका पेपर हल्का आएगा तो उस हिसाब को देखते हुए आपके नंबर बढ़ाए भी जा सकते हैं। तो कोर्ट जाने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में 2 महीने से कुछ ज़्यादा का समय तो लगेगा ही, ये तो पक्का है दोस्तों। और जो पेपर है आपका वो दोस्तों सितंबर लास्ट वीक तक हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ, 2 महीने और लेट होगी, 2 महीने और लेट होगी भर्ती प्रक्रिया। इस पेपर को, इन पेपर में गड़बड़ी कराने की वजह से दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों मैं आपको एक सही जानकारी दे पाया हूँ। और दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में कनेक्ट हो जाइए। थैंक यू दोस्तों, और वीडियो पर दोस्तों फालतू के कॉमेंट ना कीजिए।